तो जी हम लोगों ने की बिस्मिल्ला, उस दूसरे कमरे में मैंने सारी चीज़ें रख दी थी उसलिए, क्योंकि हमारे घर में जो है वो बहुत खपत जी हुई आजकल, तो मैंने सारी बास्केट्स वगैरह दूसरे कमरे में रख ली थी, चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। अब हम लोगों ने करना क्या था, हम लोगों ने मेहंदी की जो है वो सारी बास्केट्स रेडी करनी थी, जिसमें मेहंदी की जो चूड़ियों की बास्केट्स होती हैं और गजरों की, और ये सारी बास्केट्स हम लोगों ने तैयार करनी थी। और ये चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, अभी जब एंड में जाएंगी ना बास्केट में फिर देखना कितनी खूबसूरत लगती हैं। ये सारी चीज़ें थी जिसमें कैंडल्स थी, चूड़ियाँ थी, दिए थे, और सब कुछ अपने एक्सपेरिमेंट से चीज़ें मैंने मंगवाई हुई थी कि भाई बास्केट सोची हुई थी किस तरह बनानी है। ऐसे जो इंसान सोचता है ना वो कभी नहीं होता, भाई मैंने बहुत सोचा था बास्केट इस तरह बनाएंगे लेकिन उस तरह नहीं बनी जिस तरह बनाएंगे, उससे बहुत अच्छी बन गई। पहले जो है ये बेले जो है मैंने जो है पहले मैंने ये बेवकूफ़ी कर दी थी कि वो जो होती है ना इनविजिबल पिंस लड़कियों की, मैंने उससे बास्केट में ये जो है ये फूल लगाए थे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने गन ग्लू से लगाए थे तो जल्दी लग गए थे। तो आप लोगों को भी इस तारों शारों से मत लगाना, गन ग्लू से लगाना फिर 2 मिनट का काम होता है। उसके बाद जो है ये नेट मैंने लगाई थी इसके ऊपर, ये चूड़ियों वाली बास्केट में रेडी कर रही थी, नेट भी बड़ी प्यारी लग रही थी। फिर ये मैंने साइड पे कर दी, मैंने कहा यार बस ये इतना बहुत है। फिर उसके बाद ये दूसरी बास्केट की बारी आई थी, इसकी तो बैंड बजाई हुई थी, दूसरी पुरानी बास्केट थी जो हमने यूज़ की थी, इसके नीचे नेट लगी हुई थी बुरी तरह, इसके ऊपर चिपकाई हुई थी, वो सारी नेट मैंने हटाई। उसके बाद पूरी जो है इसके ऊपर ग्लू वगैरह लगा के इसके ऊपर भी मैंने बेल लगानी स्टार्ट की। अच्छा अभी ना मेरे मुताबिक ये काम पूरा होता जा रहा था, मैं बास्केट बना के रखती जा रही थी, मैंने कहा बस कम्प्लीट हो गया, मजीद इसके ऊपर काम नहीं करना। फिर जो है ये दूसरी बास्केट थी, ये थी गजरों वाली, ये वो जो मैंने नीचे से इस बास्केट की नेट उतारी थी वो मैंने उतार के इसके जो हैंडल पे लगा ली, और बाकी जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स थी वो मैंने उसके ऊपर थोड़े बहुत सेट कर दिए। आप पहले से बहुत प्लानिंग कर लो ना, बनाते वक्त जब आप बैठते हैं ना तो आपका जहन वैसे ही एक्स्ट्रा चलने लग जाता है, फिर और भी अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं और चीज़ और भी अच्छी बन जाती है। फिर जब फ्लावर्स लगाए फिर मैंने सोचा यार इसके ऊपर हल्की सी स्प्रे करके देखते हैं, जब वो मैंने की वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर मैंने जितने सारे फ्लावर्स लगाए थे आधे इस साइड लगाए थे, आधे बंच और आधे उस साइड लगा दिए थे, वो बड़े प्यारे लग रहे थे। मैंने दोनों साइड लगा के उसको अच्छा सा डेकोर करके उसके ऊपर हल्की हल्की स्प्रे कर दी, और वैसे ही मेहंदी के कलर को हो गया और प्यारा भी बहुत ज़्यादा लग रहा, इतना प्यारा लग रहा था, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लग रहा था। अब किसी को ना अच्छा लगे तो उसका तो मुझे नहीं पता, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद ये एक मिठाई की बास्केट थी, इसे हमने मिठाई रखनी, पहले तो मैंने कहा कि चलो ये अंदर जो है शीट सेट कर लेते हैं, बास्केट गंदी ना हो, फिर मैंने कहा यार शीट नहीं सेट करते, ऐसा करेंगे अंदर कोई भी डिस्पोजेबल प्लेट हो वो रख लेंगे और उसके अंदर मिठाइयाँ रख लेंगे। फिर इसके लिए मैंने फैंसी ज़रा गोल्डन कलर की लेस मंगवाई थी, वो मैंने इसके ऊपर सेट की, और इसके जो बॉटम पे ना मैंने बिल्कुल जो है ये एक बेल एक और एक्स्ट्रा सेट कर दी, और इसके ऊपर जब मैंने देखा तो इसके ऊपर भी फ्लावर्स अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा एक थीम चल जाएगा, फिर मैंने इसके ऊपर भी 3 फ्लावर्स का जो है वो बंच लगा दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बन गई थी। अब किसी को ना अच्छी लगे लेकिन जिनके लिए मैंने बनाई उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और मेरी जो जितने आसपास आवाम है उनको भी बहुत अच्छी लगी, तो आप लोगों को भी बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। भाई मेरे मुताबिक 2 बास्केट्स कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन जब वो 2 बनी फिर और मजीद आइडियाज़ जो है वो पैदा होते गए, फ्लावर्स का वैसे ही पूरा पैकेट पड़ा हुआ था। फिर मैंने कहा चलो यार इसके ऊपर भी सेट करते हैं, फिर मैंने जो चूड़ियों वाली बास्केट थी इसके ऊपर भी मैंने फ्लावर सेट किए, और जो दूसरी दियो वाली बास्केट थी उसके ऊपर भी मैंने फ्लावर सेट किए, फिर ऊपर से हल्की हल्की स्प्रे कर दी, और ये बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहे थे। जिस टाइम हमने इसमें चूड़ियाँ डाली थी ना उस वक्त तो तबाही हो गई थी। चूड़ियाँ अगर आप लोगों ने भी लेनी है तो आप कलरफुल लेना, कलरफुल बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। और ये सारा बास्केट का फाइनल लुक था, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से खूबसूरत लग रही थी। और जितना टाइम मैं बास्केट बनाती रही हूँ मैं यही सोचती रही हूँ यार वक्त कैसे गुजर जाता है, अभी कल की बात है ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए थे और आज इस मैडम की जो है शादी की बास्केट्स बना रही हूँ मैं। और मुझे मेरी दोस्त ने भी एक वीडियो भेजी थी, तो उसमें बंदा यही बोल रहा था कि हम मुख्तलिफ कश्तियों के सवार होते हैं और मंजिलें पता नहीं लो हमारी कहाँ कहाँ होती हैं, ये कहाँ जाता है तो ये कहाँ जाता है। और ये बास्केट की फाइनल लुक थी, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही थी। आप लोग भी बताना कि आप लोगों को कैसी लग रही थी। वैसे अगर आप लोगों में से भी किसी ने बनानी है तो ये बेस्ट तरीका ये है कि आप किसी एक थीम को फॉलो कर लें, फिर वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। वैसे तो लोग डिफरेंट डिफरेंट बनाते हैं लेकिन मैंने एक थीम को फॉलो किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और वो लग भी रही थी प्यारी। अच्छा जी, तो फिर दुल्हन को मैंने वीडियो भेजी थी, दुल्हन बड़ी खुश हुई, दुल्हन को बहुत अच्छे लगे बास्केट्स, तो मैंने कहा यार पैसे हलाल हो गए, वर्थ इट हो गए, मेहनत जो 6-7 घंटे की हमारी लगी थी वो वर्थ इट हो गई क्योंकि दुल्हन को पसंद आ गई। और एंड में डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन टिकटॉक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके बाय।